हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। ये खबर जो है वो उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से निकल कर आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग है, जिसका हम लोग UPPCL बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें JEE की बम्पर वैकेंसी आई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं बताऊंगा कि इसमें हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका ग्रेड पे कितना होगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है, वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। और टोटल में अगर सीट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग सीट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ देखिए 81 सीट है, जनरल में EWS में 21 सीट है, OBC में 25 सीट है, SC में 20 सीट है और ST में 4 सीटें हैं। क्लियर? सॉरी, SC में 60 है और ST में 4 सीटें हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ, जनरल में 1 सीट है, ठीक है, EWS में 1 भी सीट नहीं है, OBC में 14 सीटें हैं, SC में 6 सीटें हैं और ST में 1 भी सीट नहीं है। चलिए अब मैं इसके ग्रेड पे की बात करूँ तो देखिए, इसका जो ग्रेड पे आपको मिलेगा, आपको जो इसका पेमेंट मिलेगा, वो मिलेगा 44,900 रुपये। ठीक है, यानी कि आपको 7वां वेतन आयोग, यानी कि 7 लेवल के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसको बिल्कुल भी आप लोग ना गवाएं। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो आज ही जल्द से जल्द जाकर इसका फॉर्म भर दें। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया था, इसका जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, है ना, जो AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट जो भी होगा, उससे आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, चलिए अब मैं इसके एज लिमिट की बात कर लेता हूँ। देखिए, इसका मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। कब तक? 1/1/2020 तक। ठीक है, यानी आपका 1 जनवरी 2020 तक आपका 18 साल मिनिमम या मैक्सिमम 40 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा जो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, है ना, तभी आपको वहाँ पर का OBC जो है ना, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस पोस्ट के लिए जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एज में भी किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप OBC के हैं और आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी आपको जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या होगा। तो देखिए, इसका एग्जाम होगा वो CBT होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका सेंटर कहाँ कहाँ होगा एग्जामिनेशन का, आप देख सकते हैं, वाराणसी है। इसका सेंटर क्या है? वाराणसी है, गोरखपुर है, कानपुर है, बरेली है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है ना, और मेरठ है। ठीक है, तो आपको ये 6-7 जगहों पर आप इसका टेस्ट होगा। मैं देख लेता इसका जो एग्जाम होगा उसके पैटर्न क्या होगा। देखिए, इसके एग्जाम में क्या होगा, आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के लिए। ठीक है, जिसमें से आपका जो 150 क्वेश्चन होगा वो आपके ब्रांच से आएगा, यानी कि आपने अगर इलेक्ट्रिकल से भरा तो इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा, और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा। और जो 50 क्वेश्चन है, इसमें से आपका 20 क्वेश्चन GK के लिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से और 10 क्वेश्चन हिंदी से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसमें CBT में पास करते हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और हर एक गलती के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देख लेता हूँ। अब इसके अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट के यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो उससे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ पहले कि इसकी फ़ी कितनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप SC ST से हैं और आप UP के हैं, है ना, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको जो फी लगेगा वो लगेगा 700 रुपीज़। क्लियर है? चलिए, अगर आप जो है वो जनरल से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप OBC से हैं, ठीक है ना, जनरल से हैं या OBC के हैं, तो आपको लगेगा 1,000 रुपये फी लगेगा। क्लियर है? चलिए, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, ठीक है, तो आपको मात्र 10 रुपये फी देना है। ठीक है, चलिए आगे मैं देख लेता हूँ इसके बारे में और बात। चलिए अगर मैं इसके बारे में देखूँ तो इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.upppcl.org पर जाना होगा।
वहां पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर अप्लाई का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इन दोनों को बिल्कुल सही से डालिएगा, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि आपका जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, आपको इसी ईमेल और फोन की हेल्प से आपको बताया जाएगा। चलिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम सीबीटी होगा, इसलिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इस बात को समझेंगे। चलिए, अब मैं देख लेता हूँ कि इसका सबमिशन करने का फॉर्म कब से कब तक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इसका ऑनलाइन सबमिशन करने का डेट कब से है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका ऑनलाइन सबमिशन करने का डेट है 4/12/2020 से, 4/12/2020 से लेकर 28/12/2020 तक इसका डेट है। ठीक है ना, यानी कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 4/12 यानी 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 28 दिसंबर तक इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब मैं बोलूँ इसका फी पेमेंट करने का डेट, तो आपको 4 से 28 के बीच में ही फी पेमेंट करना है। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पर एक और बार बताता हूँ, उन्होंने एग्जाम का डेट भी यहाँ पर क्या है रिवील कर दिया है। उन्होंने बोला है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लेंगे 2021 में। ठीक है, यानी फरवरी फर्स्ट वीक 2021 में इसका एग्जाम होने का टेंटेटिव डेट है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको फॉर्म भरने के बाद आपके पास 2 महीने का वक्त होगा अभी से है। अगर आप इस डेट को मांग के चलते हैं तो आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। और बिल्कुल जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ना, वो लोग जाकर इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी जो भी बच्चे डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा किए हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें हम लोग को किस तरह से इसका एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, किस तरह से इसका फॉर्म भराएगा, कब से इसका डेट है, मैंने सारा इंपॉर्टेंट बात इसके लिए कर लिया। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जब भी इसका फॉर्म 4/12/2020 से जब इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, तो आप लोग इसके वेबसाइट पर जाकर www.uppcl है ना .com पर जाकर आप इसको .org पर जाकर आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका PDF लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे ही जॉब्स के रिगार्डिंग और अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट लेकर आते रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।